guys, welcome your favorite YouTube channel Special Care on Self. Please click subscribe button and bell button for latest video. It's absolutely free. हाय फ्रेंड्स, दिस शीशा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ तो आप मेरे वीडियो का हेडिंग्स देख के समझ ही चुके हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स जो टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको इस्तेमाल करने से फ्रेंड्स आपकी उम्र तो 10 साल कम हो ही जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो टिप्स बना रही हूँ, ये जो टिप्स है ये आपकी स्किन को रिजुनेट करता है। आपके स्किन का जो अंदर में जो सेल है, जो टीनेजर का सेल रहता है, और हम टीनेजर का उम्र क्रॉस कर जाते हैं उन लोगों के स्किन का जो सेल है दोनों में बहुत अंतर देखा जाता है। टीनेजर में होता है क्या, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा रहता है स्किन में, स्किन से ग्लो आता है, दाग धब्बा नहीं रहता है, रिंकल नहीं रहता है। तो जो भी मेरे ऐसे फ्रेंड हैं वो लोग चाहते हैं फिर से टीनेजर में लौट के जाए तो आज का वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स। तो टीनेजर जो है वो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो लोग मेरे फ्रेंड हैं टीनेजर वो भी इसको जरूर देखें, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से फ्रेंड्स आप एवरग्रीन बन सकते हैं। आपका स्किन हर वक्त टीनेजर की तरह ही बना रहेगा। और इसको लगाते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि आपकी स्किन का जो दाग धब्बा है वो ये रिमूव करता है। आपके स्किन में रिंकल आ गया है तो उसको भी ये रिमूव कर देता है। आपकी स्किन लूज होने लगा है ऐसा लग रहा है, आपकी स्किन में पहले जैसा ग्लो नहीं है या आपकी स्किन धीरे धीरे लूज हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये कमाल का टिप्स है। और इसके लिए फ्रेंड्स सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है और ये बनाना भी बहुत ईजी है। इसको हर कोई बना सकते हैं और इसको हर कोई इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी टीनेजर लेके फ्रेंड्स 60-70 ईयर तक हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। सभी के लिए फायदादायक है। फ्रेंड्स हम लोगों का उम्र बढ़ने लगता है, जब 30 क्रॉस हम लोग कर जाते हैं तब हम लोगों के अंदर डर सा आ जाता है कि अभी भी हम लोगों की स्किन लूज हो जाएगा, हम लोग स्किन में ग्लो हो जाएगा, रिंकल आ जाएगा। तो काफी सारा ऐसा होता भी है और यही सोच कर हम लोग और भी डरने लगता है। बहुत कीमती कॉस्मेटिक चीज लगा लेते हैं या पार्लर में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। पर आज मैं जो टिप्स दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं 2 इंग्रेडिएंट जोड़ूंगी। वो दोनों इंग्रेडिएंट्स ही आप जो घर पे खाते हैं उसी से थोड़ा बहुत आपको लेके अपने फेस में लगाना है। इतना सस्पेंस नहीं रखते हुए चलिए पहले देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या लेना है और उसको कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद मैं अपने फेस में लगा के भी दिखाऊंगी। पर दोस्तों वीडियो को फुल अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत सारा लाइक दें और कमेंट्स में लिखें फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये टिप्स, कैसा फायदा हुआ है कमेंट्स में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर भी करें। और फ्रेंड्स आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें। देखिए मेरे वीडियो के नीचे या ऊपर एक सब्सक्राइब बटन और एक बेल बटन आ रहा है, इन दोनों को क्लिक करना है आपको। इन दोनों को क्लिक जब भी आप करते हैं उसके बाद से मेरे चैनल में जब भी कोई वीडियो आता है उसके तुरंत बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को फर्स्ट टाइम देख पाएंगे। तो यही रीजन है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख पाए। तो अभी बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो लेट्स गो। तो इसके लिए फ्रेंड्स पहले आपको लेना है काले अंगूर। काले अंगूर फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है, यानी ब्लैक ग्रेप्स बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। इसमें बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो आपके स्किन को बहुत दिन तक जवान रखने में हेल्प करता है। मैं यहाँ पे 3 काले अंगूर ले रही हूँ। मुझे सिर्फ 1 चम्मच अंगूर का, काले अंगूर का पल्प लगेगा। तो मैं जो बनाऊँगी वो फ्रेंड्स एक ही दिन के लिए है, मैं एक दिन के लिए इसको बना के दिखा रही हूँ। आप इससे ज़्यादा बना के अपने फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, 3 दिन रख सकते हैं। और ये अंगूर थोड़ा सूख गया है, तो फ्रीज में रहते हुए इतना गर्मी है क्या सूख गया है एक ही दिन में, तो इग्नोर दिस। तो इसी का पल्प आपको लेना है। और ये जो अंगूर है फ्रेंड्स इतना सारा विटामिन रहता है जो हम लोगों की स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करता है। और फ्रेंड्स ये काले अंगूर आपके फेस का कोई भी दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो मैं काले अंगूर को इसका पल्प निकालते निकालते आपको पूरा डिटेल्स दे रही हूँ। तो इसका पल्प को आपको ऐसे निकाल लेना है। आप देखिएगा फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आया है दाग मिटाने के लिए, स्किन का जो डार्क स्पॉट है उसको मिटाने के लिए जो प्रोडक्ट बिकता है कॉस्मेटिक या मेडिसिन, उसमें ब्लैक ग्रेप्स लिखा हुआ रहता है, ब्लैक ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट। तो उसकी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक ग्रेप्स फ्रेंड्स किसी भी दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे मैं इसको स्मैश करके इसका पल्प निकाल रही हूँ। आप कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं निकल के बाहर आ गया है, तो कद्दूकस करके भी आप निकाल सकते हैं। और इसका छिलका को आपको नहीं लेना है, एक चम्मच लेना है। तो मैं ये 3 चम्मच ली थी, हाथ से ही मैं निचोड़ के निकाल रही हूँ। आप ग्राइंडर की मदद से पीस के भी ले सकते हैं या कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको छिलका को रिमूव करने के बाद इसका अंदर का पल्प को लेना है। दाग धब्बे मिटाने का दवाई में और कॉस्मेटिक चीज़ में फ्रेंड्स ब्लैक ग्रेप्स मिला ही रहता है, तो ये आपके दाग धब्बे को जैसे रिमूव करता है वैसे ही फ्रेंड्स ये आपके स्किन को फेयर बनाने के लिए भी हेल्प करता है, आपके स्किन टोन को लाइटन करता है। और फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में रहने की वजह से ये आपको क्लियर, फेयर, हेल्दी और यंगर स्किन दिलाता है। तो ऐसे आपको ले लेना है। तो मैं थोड़ा चम्मच का भी मदद ले रही हूँ, उनसे स्मैश कर ले। लगभग 1 चम्मच आपको लेना है, अच्छे से स्मैश करें ताकि इसका रस निकल आए पल्प के साथ। तो ये दोनों ही काफ़ी था, 2 अंगूर से 1 चम्मच हो गया। तो इसके साथ अभी आपको जोड़ना है और एक चीज़, वो है फ्रेंड्स अनार। अनार फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए क्योंकि ये आपके स्किन को रिजुविनेट करता है। तो अनार का रस भी आपको इसमें 1 ही चम्मच जोड़ना है। तो मैं अनार का रस को ऐसे छन्नी की मदद से निकालूंगी। तो लगभग 1 चम्मच आपको इसमें अनार का जूस ऐड करना है। अनार में भी फ्रेंड्स बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ये आपके स्किन को रिजुविनेट करता है, स्किन को टाइटन करता है, रिंकल फ्री स्किन दिलाने के लिए हेल्प करता है, यंगर स्किन दिलाने के लिए हेल्प करता है। ये जो मैं फ्रेंड्स रेमेडी आपको दिखा रही हूँ, इसको आप एक दिन इस्तेमाल करेंगे तो एक ही दिन में आप देख पाएंगे मैं जो बोल रही हूँ उसका फ़ायदा एक ही दिन में आपको मिल रहा है। जब भी लगाएंगे तभी तुरंत ही फ्रेंड्स ये आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन दिला देता है। जब स्किन डैमेज हो गया है, डल हो गया है, तो फ्रेंड्स एक ही बार के इस्तेमाल से ये डल डैमेज स्किन को फिर से सॉफ्ट, ग्लोइंग और बेबी स्किन दिला देता है। इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके बाद इसको आपको कैसे अप्लाई करना है चलिए देख लेते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले, फुल कंप्लीट करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बहुत सारा लाइक दें फ्रेंड्स। तो चलिए अभी मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आपने देख लिए हैं इसको कैसे मैंने बनाया है। अभी आपको इसको कैसे अप्लाई करना है उसका बारी है। इसको आपको दिन भर में 2 टाइम अपने फेस में अप्लाई करना है। आप इसको रात में बेड टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको लगा के कम से कम आपको 1 घंटे अपने फेस में रखना ही है। दिन में 2 बार आप लगाते हैं तो 1-1 करके 2 घंटा अपने फेस में लगा हुआ रखना है। और आपको लगता है क्या इससे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, तो फ्रेंड्स आप रात को इसको जरूर लगाएं। मेरा दावा है फ्रेंड्स एक दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 ही दिन बाद आपको लगेगा। जब आप 1 घंटे बाद अपने फेस को धोएंगे तभी देखेंगे आपके फेस में कितना अंतर आता है। तो आप अच्छा लगा तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए रात को भी इसको लगाना। रात को बेड टाइम में आप नाइट क्रीम छोड़ के इसको लगा के सोते हैं तो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलता है। पर मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो लोग ये थोड़ा चिपचिपा सा लगेगा सभी को, क्योंकि इसमें मैंने फ्रूट जूस मिलाया है, फ्रूट का पल्प मिलाया है, तो थोड़ा तो चिपचिपा रहेगा ही। पर चिपचिपा है तो क्या है फ्रेंड्स, ये आपके स्किन को रिजुविनेट करता है। इतना अच्छा है चीज़। जो भी फ्रेंड्स हम लोग होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं वो रॉ रहता है, तो इससे थोड़ा बहुत तो चिपचिपापन लगता ही है। तो इग्नोर दिस फ्रेंड्स। आप चाहते हैं क्या नेचुरल ब्यूटीफुल होना, तो कोशिश कीजिए इसको रात भर रखने के लिए। और नहीं हो सकता है तो फ्रेंड्स आप दिन भर में कोई भी टाइम 2 टाइम इसको अप्लाई करें और 1-1 घंटे करके 2 घंटा रखें और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लें। थोड़ा सा मैं कॉटन ले रही हूँ, कैसे अप्लाई करना है उसका डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा रही हूँ। तो मैं ये कॉटन को इसमें डीप कर लिया है और इसके बाद फुल फेस में ऐसे आपको अप्लाई करना है। आप इसको आंखों के चारों तरफ जरूर लगाएं। मैं लिपस्टिक आईलाइनर को नहीं पोंछी हूँ, सिर्फ मेरे फेस का मेकअप नहीं था, मेरा फेस क्लियर ही था और इसीलिए मैं फेस में लगाई हूँ। पर आंखों का आईलाइनर मैंने नहीं पोंछा है तो मैंने आंखों में नहीं लगाया है। आप इसको फुल फेस में, नेक में भी लगा सकते हैं। जिनका भी नेक में रिंकल आ गया है वो फ्रेंड्स नेक में भी इसको लगाए जरूर। और इसको लगा के फ्रेंड्स आपको ऐसे ही रख देना है और धूप में नहीं जाना है। याद रखिए इसको लगा के आपको घर पे रहना है, सन रे ना आए आपके स्किन में। सन से बचा के रखना है आपके स्किन को। घर पे है पर धूप में बैठे हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं, मैंने तो घर पे बैठी हुई लगाया था पर मैं छत पे बैठी थी तो टैन आ गया है। तो छत पे जाए जहाँ पे भी जाए सन से बचिए, सन ने लगना नहीं है आपको। स्किन में जब लगा हुआ रहेगा तब सन के सामने भी नहीं जाना है। एक घंटे बाद धोने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं या सनस्क्रीन लगा सकते हैं, और जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं फुल फेस को अच्छे से क्लियर कर ले, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। और इसको एक घंटे बाद आपको धोना है, तो मैं इसको धो के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये तो इंस्टेंट वाला रिजल्ट नहीं देता है। तो इसको आपको लगातार 3 से 4 दिन लगातार करने के बाद देख पाएंगे। और किसी किसी को फ्रेंड्स मैन टू मैन वेरी करते हैं, किसी को एक ही दिन के इस्तेमाल से रिजल्ट मिल जाएगी। ऐसा भी हुआ है फ्रेंड्स, मेरे काफी सारे फ्रेंड हैं जो इस टिप्स को यूज किए हैं, एक ही दिन में उनको रिजल्ट आ गया है। तो मैं प्रे करूंगी मेरे जो सब फ्रेंड देख रहे हैं एक ही दिन में रिजल्ट मिले उनको। पर इसको फ्रेंड्स आपको लगातार कंटिन्यू करना है, हर रोज आप करते हैं तो फ्रेंड्स आपकी स्किन एवरग्रीन बने रहेगा। और इसका कोई लिमिट नहीं है क्या आप 7 दिन लगाएंगे क्या 1 महीना लगाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप जब तक मर्जी लगा सकते हैं। जब भी आपको लगेगा कि आपकी स्किन लूज हो रहा है या रिंकल आ जा रहा है आपके फेस में या डार्क स्पॉट हो गया है, उम्र बढ़ने का जो निशान है वो आ रहा है, डलनेस हो गया है आपके फेस, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक बात है फ्रेंड्स, जो लोग मेरे टीनेजर फ्रेंड है वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, एवरग्रीन बने रहना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको दिन में 1 बार आप ट्राई करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिल जाएगी। तो इसके बारे में जानकारी लेके वीडियो को अच्छा लगा ही होगा तो लाइक जरूर करें। अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक दे दें, लाइक का बटन भी नीचे आ रहा है, लाइक बटन में क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।